their music, the background score makes a huge difference in any love story. And, you know, thank you guys for the music we had, because it was so easy to perform that on screen. And then my mom is right there. Hello, Mama. That's my mother. So yeah, I mean, it was so easy performing and romancing and just showing love on screen when you have such beautiful music, such beautiful songs to perform to. So it was just wonderful. And speaking about Naresh, so I don't even know where to begin, because man, it's me. ये एक ऐसा टाइटल है जो ऑफ कोर्स बहुत से लोगों से कनेक्ट करेगा. सभी लोगों की लाइफ में ऐसा एक मोड या पल ज़रूर आता है जब हम कुछ जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते. सो इट्स अ वेरी कनेक्टिंग टाइटल. बाकी जो आप चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलने वाला. यहाँ सिर्फ दिल जो ना कह सका. और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में बनती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक्चुअली, पर जब दिल से कुछ चीज़ बनती है तो वो फिल्म बनती है. बहुत कम डायरेक्टर है जो दिल से फिल्में बनाते हैं. ठीक ठाक कर लेते हैं. काम चल गया, कोई बात नहीं. देखो तभी तो देखो कैसा आ रहा है. नो नो, इट वाज वेरी गुड. आई मीन इनफैक्ट यू कैन सी इट. मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल करके ट्रेलर देखने के बाद बताया कि इट्स सो नेचुरल, इट्स लुकिंग सो लाइक, ऐसा लग रहा है यू नो गाइज एंड गर्ल्स नेक्स्ट डोर, इट्स दैट काइंड ऑफ रोमांस. ऐसा नहीं फिल्मी के एकदम मतलब कपड़े फाड़ के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स प्योर, इट्स हाउ एनीबडी रोमांसेस, यू नो, इट्स इन योर आईज, इट्स द इमोशंस दैट शोज ऑन योर फेस. एंड आई एम ग्लैड वी कुड शो दैट ऑन स्क्रीन एंड इट शोज ऑन द ट्रेलर एंड द सॉन्ग्स. एंड दैट्स थैंक यू. वी आर जस्ट टेल एवरीबॉडी व्हेन फिल्म इज रिलीजिंग. द फिल्म इज रिलीजिंग 17th ऑफ नवंबर. यू हैव टू गो वॉच इट. यू डोंट हैव अ चॉइस. टेक योर फैमिली, टेक योर फ्रेंड्स, टेक योर डेट्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गो मल्टीपल टाइम्स, जस्ट गो एंड वॉच इट. That's it. You will love it. Thank you so much.